खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मौसम का सिग्नल डाउन। उत्तर भारत में अचानक हुई भारी बारिश ने कईयों को परेशान कर दिया। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े। इन ओलों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। मध्य प्रदेश और हरियाणा के किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। राजस्थान में तो इसके चलते दर्दनाक हादसा भी हुआ। ये अनाज है जो भारी बारिश के चलते पानी पानी हो गया। बारिश के चलते रीवा में सड़कें जलमग्न हो गई। FCI के गोदामों के बाहर रखा अनाज भीग गया। बारिश किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आती है, लेकिन इस बार इसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सीहोर में भी किसानों को बारिश के चलते परेशानियों से दो चार होना पड़ा। यहाँ भी ओलों ने फसलों को नष्ट कर दिया। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार से यही चाहते हैं, पहले तो गेहूं का बोनस दे और जो अभी खरीफ की फसल थी, सोयाबीन की फसल है जो अभी, उसका मुआवजा दे। और ये जो अतिवृष्टि से खराब हुई फसल, इसका भी मुआवजा, इसका अभी जो देख के मुआवजा दे। मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट करके किसानों को भरोसा दिलाया है। आज प्रदेश के बहुत से जिलों से ओलावृष्टि की दुखद खबरें प्राप्त हुई हैं। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ सरकार किसानों की सरकार है। हम किसानों के साथ हर संकट में खड़े हैं और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से लगे हरियाणा में भी जमकर बारिश हुई। मेवात के नूह में बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में जमकर तांडव मचाया। किसानों को डर है कि खेतों में लगी गेहूं और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अचानक हुई बारिश से अनाज मंडी में रखी हजारों क्विंटल धान की बोरियां भी पानी पानी हो गई। लोगों के घरों के अंदर रखे बर्तनों से लेकर हर जगह पर ओले गिरने से सफेद परत बिछ गई। राजस्थान के सीकर में तो भारी बारिश के दौरान एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। चौकड़ी गांव में एक परिवार के तीन लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी उन पर बिजली गिर गई, जिसने मां बेटे की जान ले ली, जबकि इस दौरान मृतका की बेटी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। समय 2 बजे के लगभग आकाश से बिजली गिरने से श्रीमती सुबिता देवी व उसका लड़का गुरमीत सिंह की मौत हो गई और बच्ची अंजू घायल हो गई, जो अभी CHC खंडेला में दौरान इलाज चल रही है।